खरगोन के समीप हुए बस हादसे के दौरान अपनी जान की बाजी लगाकर घायलों की जान बचाने और प्रशासन की मदद करने वाले 69 ग्रामीणों का एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने सम्मानित किया है। बस हादसे के दौरान ग्रामीणों ने मानवीय संवेदना, हौसला, जज्बे, एकता और बहादुरी देखी गई थी। ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन के पहुंचने के पहले बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला। बस को सीधा कर घायलों को अस्पताल पहुंचाकर यात्रियों की जान बचाई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने मृतकों की शिनाख्त करने और अंतिम संस्कार में भी पुलिस की मदद की थी। पहली बार पुलिस ने एक साथ 69 ग्रामीणों को पुष्पमाला पहनाकर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। पुलिस करीब 20 ग्रामीणों को केंद्र सरकार की गुड सैमरिटन योजना के तहत 5,000 रुपए का पुरस्कार भी दिलाएगी। गौरतलब है कि 9 मई को तेज रफ्तार ओवरलोडिंग यात्री बस दसंगा और डोंगरगांव के पास बोरार नदी के पुल से रेलिंग तोड़ते हुए गिर गई थी। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट। उसके बाद ग्रामीण जनों ने एक बहुत ही हौसला, बहादुरी और एकता का परिचय देके तत्काल उसको वहाँ पे सहायता पहुँचाई, पुलिस को खबर की। क्योंकि वो घटना दूर थी इसलिए जैसे ही हम लोग तक सूचना आई, जब तक उन्होंने अपना राहत कार्य शुरू कर दिया। करीब 12 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपनी निजी कारों से, निजी वाहनों से न सिर्फ घायलों को निकाला बल्कि अस्पताल में पहुँचाया। जो मध्य प्रदेश शासन की योजना है गुड सैमरिटन का, उसके तहत आज हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी का सम्मान समारोह आप लोगों का रखा है। और जो लोग अपनी निजी गाड़ी से जख्मियों की प्राण बचाने में जिन्होंने मदद की है, उनको हम पृथक से इसका फॉर्म भरेंगे। इसकी पूरी डिटेल लेके अभी आज नोट कर लिया मैंने कौन कौन लोग सबसे पहले ले गए थे लोगों को। ये आपको आज यहाँ सम्मान किया गया इस पे साहब के द्वारा, आपने एक दुखद हादसे में मदद करी थी, क्या उसको लेके कहूँगा? मैं प्रशासन का भी बहुत बड़ा सम्मान करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पहल को, हमारी युवा शक्ति को इससे ताकत मिलती है कि ऐसे कोई कुछ भी कार्य होते हों उसमें मदद करने के लिए आगे पहुँचे और सेवा मदद करे। और प्रशासन से भी यह प्रार्थना करता हूँ और उनके सामने प्रस्ताव रखता हूँ कि ऐसी दुर्घटना जहाँ भी होती है उस पर जो भी इसके कार्य करने वाले होते हैं उन पर भी कार्रवाई करना चाहिए और ऐसी चीज़ों को जो कार्य जब होता है उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको देख रेख में करना चाहिए, प्रशासन को अवगत कराना चाहिए कि जो इस रोड के जो भी कार्य करने वाले उन्होंने जगह जगह ऐसे टर्न दिए हैं जहाँ संभावना थी कि वो टर्न मिट सकते थे पर उनको मिटाया नहीं। और ग्रामीणों ने उनको बताया भी था कि हाँ ऐसी ऐसी संभावना रहती है पर वो टाल जाते थे और कहा कि आपसे जो भी हो वो आगे जाके कार्रवाई करो। ऐसे जो हादसे होते हैं इसमें जिम्मेदार लोग रहते हैं उन पे भी जो कार्य करते तब ध्यान देना चाहिए। और हमारे डोंगर गांव के, दसंगा के, बगवा के समस्त ग्रामवासियों एवं युवाओं का मैं मेरी पंचायत की ओर से भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और उन्होंने ऐसी सेवा की कि वो अद्भुत सेवा थी। क्या नाम लिख दो? मुकेश पाटीदार। इस घटना के बाद आप लोगों ने जो उस विषम परिस्थिति में जो कर दिखाया वो निश्चित रूप से नेक इंसान की परिभाषा बनेगा। गुड सैमरिटन जिसको कहते हैं वो नेक इंसान है। मुसीबत के समय, कठिन समय में अपनी काम छोड़ के मौके पे जुझारूपन से आगे आते हैं, ऐसी घटनाओं की चुनौतियों को स्वीकार करके लोगों की मदद करते हैं। योजनाएं तो कई सारी हैं, ये केंद्र सरकार की योजना है गुड सैमरिटन योजना। इस योजना का उद्देश्य ये है कि ऐसे नेक इंसानों को सम्मानित करें जो दुर्घटना के मौके पे बिना किसी चीज की परवाह किए हुए घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में, गोल्डन आवर मतलब एक्सीडेंट के बाद का वो एक घंटा, जब समय में व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। तो गंभीर दुर्घटनाओं में गंभीर घायलों को गोल्डन आवर के अंदर जब हम अस्पताल पहुंचाते हैं तो केंद्र सरकार की योजना है कि ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए और गुड सैमरिटन के रूप में उसको चिन्हित करके सरकार उसको 5,000 रुपये की नगद राशि पुरस्कृत करे। ये तो योजना की चीज़ हो गई।
जिसको हम लोग प्रमोट भी करते हैं, प्रचार प्रसार भी करते हैं कि ऐसे नेक लोग एक को देख के दूसरा आगे आए, क्योंकि दुर्घटनाएं आप जानते हैं कि दुर्घटना सड़क पे बहुत लोगों की जाने जाती है, और कई बार ये होता है कानूनी पेचीदगी के चक्कर में लोग अपना मुंह मोड़ भी चलते बनते हैं, लेकिन वो वाकई में नेक इंसान है जो रुकता है, फोन लगाता है और किसी भी तरीके से उसको अस्पताल पहुंचाने में मदद करता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।